Assalamualaikum, a very happy lovely morning dear students, how are you all? Janab, kaise hain aap sab? Khairiyat se hain? Theek thaak? I hope you all are fine, isn't it? So yes, alhamdulillah, we all are fine by the grace of Allah. Very nice. तो जनाब ये बताइए कि कल हमने कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे, isn't it? आपने टीचर के साथ डिस्कस किए थे, मज़ा आया था आप लोगों को डिस्कशन करते हुए, very good. अच्छा आज हम क्या करेंगे, आज हम ग्रामर एक्सरसाइजेस करेंगे. अच्छा ग्रामर में आपके पास सबसे पहले आप अपनी बुक्स लेकर आइए एंड ओपन पेज नंबर 72. वेरी गुड. अच्छा यहाँ पर देखिए 72 में आपके पास ग्रामर के एक्सरसाइज मौजूद हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ठीक है. एंटोनिम्स क्या होते हैं, जैसे ऑपोजिट्स होते हैं, वर्ड्स ऑपोजिट्स होते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, एंटोनिम्स, यानी कि मुतजाद, यानी कि जो उलट होते हैं, जो भी आपके पास वर्ड मौजूद है जो उसका अगेंस्ट होता है हम उसे क्या कहते हैं, एंटोनिम्स, ऑपोजिट हम कहते हैं, ठीक है. जैसे अप डाउन, अप डाउन, बिग स्मॉल, ये क्या है, ये ऑपोजिट्स हैं, ठीक है. हम इन्हें क्या कहते हैं, एंटोनिम्स. क्या कहते हैं, एंटोनिम्स. से विद मी, एंटोनिम्स. अब यहाँ पर आ गए सिनोनिम्स. सिनोनिम्स क्या होते हैं, यानी के वो वर्ड्स जिनकी मीनिंग्स जो हैं वो सेम होती हैं मगर वर्ड्स डिफरेंट होते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, सिनोनिम्स. क्या कहते हैं, सिनोनिम्स. वर्ड्स हैव सेम मीनिंग, ठीक है, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, सिनोनिम्स. अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं फर्स्ट वर्ड. नाउ एक्सरसाइज वन, ग्रामर की एक्सरसाइज है वन, राइट एस नेक्स्ट टू द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट आर सिनोनिम्स एंड ए नेक्स्ट टू द पेयर दैट आर एंटोनिम्स. यानी के जो सिनोनिम्स हैं हमने यहाँ पर उनके आगे एस लिखना है और जो एंटोनिम्स हैं उनके आगे हमने ए लिखना है, ठीक है. एस फॉर सिनोनिम्स, ए फॉर एंटोनिम्स, ओके. नाउ द फर्स्ट वन इज ग्रिप, होल्ड. तो ये क्या है, ग्रिप का मतलब भी पकड़ना, होल्ड का मतलब भी पकड़ना. तो इस ये क्या है, सेम साउंड, सॉरी सेम मीनिंग, डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है. डिफरेंट वर्ड्स हैं ग्रिप एंड होल्ड, दोनों की स्पेलिंग्स भी अलग हैं मगर इन दोनों का मतलब एक ही है कि पकड़ना, ठीक है. तो ये क्या होंगे, सिनोनिम्स. क्या होंगे, सिनोनिम्स. तो आप यहाँ पर लिख लीजिए एस. एस, वेरी गुड. नाउ डिफ़िकल्ट, ईजी. अच्छा डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल और ईजी का मतलब है आसान. तो ये क्या है, दोनों ऑपोजिट बातें हैं यहाँ पर, डिफ़िकल्ट मुश्किल, ईजी आसान, तो ये ऑपोजिट हैं, तो ये क्या होंगे, एंटोनिम्स. सो राइट ए हियर, वेरी गुड. नाउ स्लो फास्ट. स्लो का मतलब आहिस्ता, फास्ट का मतलब तेज, तो मतलब ये दोनों भी ऑपोजिट्स हैं. सो ये क्या है, ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एंटोनिम्स, वेरी गुड. डैम्प ड्राई. डैम्प ड्राई यानी डैम्प का मतलब गीला, ड्राई का मतलब सूखा, तो ये दोनों भी एंटोनिम्स हैं, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए ए, वेरी गुड. नाउ लाउड क्वाइट. लाउड क्वाइट, लाउड का मतलब है जोर से, क्वाइट का मतलब है आहिस्ता, तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी ऑपोजिट्स हैं. सो राइट एंटोनिम्स, दैट इज ए, वेरी नाइस, ओके. नाउ कूल वार्म. कूल वार्म, कूल का मतलब क्या है, ठंडा, और वार्म का मतलब गर्म, ठीक है. तो ये दोनों भी ऑपोजिट हैं, तो यही क्या होंगे, एंटोनिम्स. सो राइट ए, वेरी गुड. ओवर अंडर, ठीक है, तो ये दोनों भी क्या हैं, ओवर जो है वो ऊपर और अंडर जो है वो नीचे, तो इसका मतलब है ये दोनों भी एंटोनिम्स हैं, दोनों ऑपोजिट्स हैं. सो क्या होंगे ये, एंटोनिम्स. सो राइट ए, वेरी गुड. नाउ इजी हार्ड. इजी का मतलब होता है आसान, हार्ड का मतलब होता है मुश्किल, है ना, तो ये दोनों भी ऑपोजिट हैं, ठीक है, तो ये
एंटोनिम्स है तो यहाँ पर लिख दें ए. वेरी गुड. नाउ हियर लिसन. अच्छा हियर का मतलब भी होता है सुनना और लिसन का मतलब भी होता है सुनना. तो ये जो है डिफरेंट वर्ड्स विद द सेम मीनिंग है ना. दोनों के वर्ड की सेम ही मीनिंग आ रही है सुनना. तो ये कौन से होंगे सिनोनिम्स. ठीक है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे एस. वेरी गुड जनाब. अब आप लोगों को एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है कोई कंफ्यूजन है तो आप अपनी टीचर के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं जब वो आपको कॉल करेंगी. और आप इस वीडियो को बार बार जब आप देखेंगे तो आपको यकीनन सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. प्यारे बच्चों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज़.